नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। YouTube पे जितने भी सहाफ़ी आजकल काम कर रहे हैं, अपने तज़िये ख़बरें दे रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि उनके किसी भी तज़िये का रिस्पॉन्स बड़ी जल्दी आ जाता है। ये टेलीविज़न की तरह नहीं है कि जिसके ऊपर आपको बहुत टाइम लगे और पता चले कि आपका तज़िया ख़बर दुरुस्त थी, अवाम में मकबूल हुई या नहीं हुई, ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आ जाता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये रिलेटिवली नया चैनल है, लेकिन इस पे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट में एक बात गुज़िश्ता कई दिनों से तवातुर के साथ आ रही है और वो ये कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए लेकिन अभी तक ब्रॉडशीट पर और स्कैंडल पर कोई ज़्यादा तज़िया नहीं किया। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है, आज हमारा मकसद ही यही है कि हम ब्रॉडशीट के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करें। अब लेकिन क्यों नहीं किया, वो इसकी वजह ये है कि ये ज़रा तकनीकी और कानूनी मसला है जिसके ऊपर अचानक बिला वजह ही बयान नहीं दे देना चाहिए। कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ समझदार लोगों से इस मसले को समझना चाहिए, फिर आप तक पहुँचा देना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस शिद्दत से हुकूमत और हुकूमत के वज़रा और बाकी सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन कहाँ गलती पे है, किससे किस तरह नुकसान हुआ। इतनी बात समझ आई है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को $29 मिलियन का नुकसान हुआ है और वो जुर्माना हमने भर दिया है। मैंने इस सिलसिले में बात की पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब से, उनके नाम से आप बहुत वाकिफ़ हैं और उनके काम से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले और फैक्ट्स पर यकीन करने वाले सहाफ़ी हैं। उन्होंने इस पे कुछ काम किया। अहमद नूरानी आजकल अमेरिका में हैं, तो उनसे जिस वक्त बात हुई और कुछ क्लैरिटी हुई तो मैंने सोचा कि वो बातें आपके साथ शेयर कर दें। अहमद नूरानी का अपना चैनल भी है यूट्यूब पर hqaiq.tv के नाम से, और अगर आपको मौका मिले तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बातें मेरे इल्म में आई हैं ये उस गुफ्तगू से बिल्कुल कतई नज़र गुफ्तगू है जो आप आजकल चैनलों पे देख रहे हैं, जहां अचानक शहजाद अकबर आके कागज़ लहराना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद कभी वो हुकूमत के वज़रा आ जाते हैं। उन्हें ख़ुद भी मसले की समझ नहीं है और वो चाहते हैं कि इस मसले की समझ पाकिस्तान के आवाम को ना आए। जो बातें मैं कहने लगा हूँ, अगर आपको इनमें कोई खूबी नज़र आती है तो उसका सेहरा अहमद नूरानी के सर जाता है, और कोई बुराई नज़र आती है, कोई खामी कमी नज़र आती है, तो जाहिर है वो मेरा अपना कमाल है। तो देखिए, ब्रॉडशीट का मसला ये है, आपको याद होगा 1999 में हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में बड़ी अच्छी चल रही थी और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें मार रहा था, ख़ास तौर पे पावर सेक्टर में पाकिस्तान बहुत डेवलप कर रहा था और पाकिस्तान इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, इतनी बिजली प्रोड्यूस हो रही थी कि हम सोच रहे थे कि इस सरप्लस को अपने नेबरिंग कंट्री में भी फरोख्त कर सकते हैं, और वो शाहराहें बन रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। और उस ज़माने में अचानक जनरल मुशर्रफ को ये ख्याल आया कि भाई इस तरह तो फिर हमारा कोई रोल ही नहीं रहेगा, अगर लोग इसी तरह नवाज शरीफ को काम करने दिया गया तो अचानक जमहूरियत पे एक शब खून मारा गया और उस शब खून के नतीजे में PTV रातों रात फतह कर लिया गया, मुल्क का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर उसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया और इल्ज़ाम हमेशा की तरह वो लगाया गया कि भाई करप्शन हो गई, अरबों खरबों लूट के ले गए और मुल्क तबाह कर दिया, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि जब ये तख्ता उल्टा गया उसके बाद तकरीबन 8 महीने के बाद लंदन में ब्रॉडशीट से कुछ राबता कायम किया गया। पहले तो इस कंपनी का क़याम समझ नहीं आ रहा, इस कंपनी के क़याम को अभी 1 माह 8 दिन हुए थे कि इसका हुकूमत पाकिस्तान से वायदा हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 8 माह लगे उस वक्त जनरल मुशर्रफ को राबता करने में इस सारी करप्शन के हवाले से। इसका मतलब है कि 8 माह तक जब कोई हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, सारा मीडिया करप्शन चीख रहा था, उस वक्त उनके पास इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात थे, सबूत कोई नहीं था। इसलिए कि उसके कुछ अरसे के बाद 8 माह के बाद एक कंपनी हायर की गई जिसे ब्रॉडशीट कहा गया, और
इस कंपनी पे इतना ज़्यादा एतबार क्यों किया गया, ये आज तक बात समझ नहीं आई। लेकिन जो बुनियादी तौर पर इस कंपनी के साथ मुआहदा किया गया वो कानूनदानों की नज़र में बहुत ही कमज़ोर मुआहदा था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उस मुआहदे में ये था कि भाई ब्रॉडशीट जितना भी कोई किसी के करप्शन वाले असासे मालूम करेगी, 200 लोगों की लिस्ट दे दी गई जिसमें ज़्यादातर सियासतदान थे और कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, एक आध कोई एडमिरल मंसूर उल हक जैसा नाम भी था जो कि ज़रा सा इक्वल करने के लिए नाम दे दिया गया था। तो उस कंपनी को ये काम सौंपा गया, मुआहदे में ये कहा गया कि जो भी वो करप्शन का पैसा ढूंढेगी और वो सारे दुनिया में कहीं पे भी वो ये करप्शन का पैसा ढूंढेगी तो उसमें से 20% उस कंपनी को मिलेगा। ये बात तय हो गई। अब हुकूमत पाकिस्तान को बाद में पता चला कि भाई करप्शन शरप्शन तो है ही कोई नहीं, तो इस मुआहदे को मनसूख कर देना चाहिए, इसलिए कि ब्रॉडशीट को या किसी और को आज तक कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला, कोई गैर कानूनी असासे नहीं मिले, तो उन्होंने कहा जी कि इस मुआहदे को मनसूख कर देना चाहिए। 2003 में उन्होंने इस मुआहदे को मनसूख करने का सोचा और फिर उसके बाद 2009 में एक ब्रॉडशीट खुद लंदन की अदालत में चला गया कि ये मुआहदा मनसूख नहीं हो सकता, इसलिए कि उस मुआहदे में कुछ कानूनी सुकून थे, जिसकी बुनियाद पर 2016 में ब्रॉडशीट वो मुकदमा जीत गई और ये साबित हो गया कि हम वो चाहें भी तो वो मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकते। उस ज़माने में अटॉर्नी जनरल थे जनरल मुशर्रफ के फारूक आदम साहब, उन्होंने भी अदालत में जाकर ये कहा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो करप्शन के सबूत थे वो सबूत नहीं थे, वो तो बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम थे जो पाकिस्तान में सियासतदानों पर लगते ही रहते हैं, लेकिन इस बात को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी गई। फिर अब के मामलात आ जाते हैं। अब ब्रॉडशीट के हवाले से कितनी मजका खेस बात है कि जो इन्होंने डॉलरों का जो 29 मिलियन डॉलर देने पड़े पाकिस्तान को, ये भी बरतानिया की अदालत के कहने के मुताबिक दिए गए और ब्रॉडशीट ने कहा कि ये जो असासे हैं ये हमें पता चले हैं, और पता कहां से चले हैं, आपको सुनकर हंसी आए कि ये पता चले हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ JIT बनी थी, जो बाद में पता चल गया कि सारे बोगस इल्ज़ाम थे, उनमें से कुछ केसेस अभी चल रहे हैं और अभी वो केसेस का फैसला नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो हम ये बता नहीं सकते थे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कि हमारा कोई वकील ये मान नहीं सकता था कि वो जो JIT की फाइंडिंग थी, वो जो वॉल्यूम 10 के किस्से थे, वो तो सिर्फ किस्से थे और उसमें कोई हकीकत नहीं है, अगर हम ये बात बता देते तो शायद हमें 29 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को ना पे करने पड़ते और अभी हमें मज़ीद पैसे शायद इसके पे करने पड़े। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें हम फंस गए। वो बात भी सही है कि 1 अरब डॉलर के सिंगापुर के अकाउंट का कोई जिक्र हुआ, तो जनाब बात ये है, देखिए इस वो 1 अरब डॉलर को समझने के लिए साइकी समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ प्रोपेगंडा का कल्चर क्या है, किस तरह प्रोपेगंडा किया जाता है। अभी लोग ब्रॉडशीट के हवाले से सोच रहे हैं कि पता नहीं करप्शन हुई है, नवाज शरीफ के कौन से असासे हैं, फ्लैट पता नहीं कानूनी है या गैर कानूनी है, उसी दौरान एक आदमी सबूत ले के चीखे मारना शुरू कर देता है, ओ जी 1 अरब डॉलर पकड़ा गया, 1 अरब डॉलर पकड़ा गया। अच्छा, इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला, नवाज शरीफ ने भी ये कह दिया कि अगर आपको मिलता है तो उसमें से 10% मुझे दे दें, बाकी सारा आप कर लें। खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर नवाज शरीफ का इस तरह का कोई अकाउंट मिल जाता है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है एक सियासतदान की जानिब से, लेकिन थोड़े दिनों तक ये कहानी मीडिया पर खूब चलेगी, फिर उसके बाद ये कहानी अचानक दम तोड़ जाएगी और हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। ये उसी तरह का मामला है जैसे गांव का कोई हकीम किसी कोई बच्चा उसके पास गया कि मेरे पाँव में दर्द है, तो हकीम साहब ने सरिया गर्म करके उसके सर पे लगा दिया। जाहिर है वो तकलीफ से चीखा, तो उसने कहा मेरे सर में बहुत तकलीफ है, तो हकीम साहब ने पूछा कि भाई अब पैर का हाल सुनाओ। हमारे यहाँ जो उस्ताद पड़ती है, जो झूठ बोला जाता है, उसके लिए एक नया झूठ तख्लीक कर लिया जाता है। और ये किस्सा
आज का नहीं है। सियासतदानों के खिलाफ इस तरह की मुहिम जुई बहुत पुरानी हो रही है और इसमें सबसे बड़ा टूल मीडिया बनता है, इसलिए कि मीडिया हमेशा से इन लोगों के काबू में रहा है और सियासतदानों को मेलाइन करने के लिए ये सब कुछ होता रहा है। अब जो 29 मिलियन डॉलर का भी सुन लें, आपने सुना होगा कि ये सिर्फ टैक्स की रकम है, अवाम के टैक्स से दिया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अवाम का टैक्स होता क्या है। ये अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं एक लीटर, उसके अंदर कुछ रकम टैक्स की सूरत में जाती है। आप घर के लिए चीनी खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, कोई और चीज़ खरीदते हैं, उसमें से भी टैक्स मेंहा हो रहा है। तो ये जो 29 अरब डॉलर है, जो चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को अदा करना पड़ा, जिसकी वजह से बरतानिया में हमारा सफारतखाना बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और जिसकी वजह से सारी दुनिया में बदनामी हुई, वो सारा का सारा पैसा मेरी और आपकी जेब से गया है। ये चंद लोगों ने एक घिनौना खेल खेला है और उस खेल में वो अब खुद इतने फंस गए हैं कि उनको सवाए पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को अजियत देने के सिवा इससे निकलने का कोई हल नहीं नज़र आ रहा। अभी ये सिलसिला जारी है और अभी इसमें मज़ीद झूठ बोले जाएंगे, हकूमत की तरफ से मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी जो सरासर झूठ पर मबनी होगी। ये डे टू डे डेवलपमेंट हो रही है। हमने देखना है कि बुनियादी हकायक क्या है। बुनियादी हकायक क्या है कि एक कंपनी बनाई गई थी सियासतदानों को मेलाइन करने के लिए, जिसका मेन टारगेट नवाज शरीफ था। 1999 से 2003 तक वो कोई सबूत नहीं पेश कर सकी, अब भी वो कोई सबूत नहीं पेश कर सकी और इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हुई है और हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये आपको नहीं पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल जिस तरह मकबूजा है वो एक और ही तरह का नरेटिव बयान करेगा। जब ये लोग, याद रखिए, जब ये लोग ज़्यादा फंस जाएंगे तो फिर इससे बड़ी बुरी खबर दे दी जाएगी कि अब नवाज शरीफ के पता नहीं कितने खरब रुपए डॉलर पकड़े गए हैं। ये सारा सिलसिला इसलिए होता है कि तवज्जो अपनी गलतियों की तरफ ना हो और ज्यादातर तवज्जो सियासतदानों की खामियों की तरफ, उनकी तजलील की तरफ रहे। ब्रॉडशीट एक ऐसा किस्सा है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इबरत का निशान बन गया है और इसमें अभी बहुत सी गिरहें इस वाक़े में ऐसी हैं जो खुलनी बाकी हैं। देखिए क्या होता है और दुआ कीजिए कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जिनसे पाकिस्तान के सियासतदान जो करप्ट नहीं हैं, जो करप्ट प्रूव नहीं हुए, वो बचे और इससे पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को जो अजियत और हमी हजीमत हुई है उससे किसी तरह हमें छुटकारा मिले।